हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम करेंगे नोविता डेविल फोटो एडिटिंग कुछ इस प्रकार की, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको भी सीखना है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। सारी पीएनजी बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं शुरू। सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाना है। सिंपली अपनी फोटो को आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इसके बाद आपको सिंपली क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और मैं नीचे से थोड़ा सा क्रॉप करके राइट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको सिंपली ऐड फोटो पे चले जाना है। आपको ये वाली पीएनजी मिल जाएगी नोबिता के फेस की, आपको सिंपली इसको ले लेना है। और कुछ इस प्रकार आपको फिलिप वाले ऑप्शन पे जाके थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और कुछ इस प्रकार आपको फेस पे लगा लेना है। लगाने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। के बाद अगेन आपको ऐड फोटो में जाना है। आपको ये वाली क्लाउड की पीएनजी मिल जाएगी, सिंपली इसको ले लेना आपको, और साइज को आपको सिंपली बड़ा कर लेना है। तो मैं साइज को बड़ा कर लेता हूं। एंड इसके बाद सिंपली आपको इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है, रिस्टोर वाली ब्रश पे क्लिक कर देना है, और सिंपली आपको बैकग्राउंड में फिल कर देना है। जहां जहां आपका क्लाउड इफेक्ट आ रहा है वहां आपको ये फिल कर देना है। तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो सिंपली हो गया। एंड इसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगेन आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अगेन ऐड फोटो में चले जाना है। आपको ये वाली पीएनजी मिल जाएगी डेविल की, इसको ले लेना है सिंपली, और कुछ इस प्रकार अपने हेड पे आपको लगा लेना है। लगाने के बाद आपको अगेन ऐड फोटो में जाना है। आपको ये वाली पीएनजी मिल जाएगी विंग्स की, सिंपली आपको विंग्स के साइज को बिल्कुल बड़ा कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने बड़ा कर लिया। एंड इसके बाद आपको इरेज वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आपको इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है, रिस्टोर वाली ब्रश पे क्लिक करके हार्डनेस को 100 करके, और बैकग्राउंड में आपको सिंपली ब्रश को चला देना है। तो मैंने सिंपली बैकग्राउंड में ब्रश को चला दिया, आप देख सकते हो। इसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगेन आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऐड फोटो पे जाना है। आपको ये वाली पीएनजी मिल जाएगी दोनों, इनको सिंपली ऐड कर लेना है। एक पीएनजी को कुछ इस प्रकार यहाँ लगा लेना है, और सेकंड वाली को आपको सिंपली यहाँ पर लगा लेना है। इसकी ओपेसिटी को आपको कम करना है, तो ओपेसिटी को आपको कम कर लेना है कुछ 80% के करीब। तो दोनों की ओपेसिटी को मैं 80% कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो सिंपली हो गया। इसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है सिंपली। इसके बाद आपको सिंपली ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और आपको ये वाला ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है, और इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है, रिस्टोर वाली ब्रश पे क्लिक कर देना है, और हार्डनेस को 100% कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। एंड इसके बाद आपको बैकग्राउंड में सिंपली चला लेना है अपने विंग्स के ऊपर, और सिंपली अपने बॉडी पे नहीं चलाना है, इसको बैकग्राउंड में फिल कर देना है। इसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली इसके बाद आपको इस इफेक्ट पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो इसका ब्लर जो है आपको कुछ 5% के करीब रख लेना है। तो इसको मैं 5% पे रख लेता हूँ, और सिंपली इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली टूल्स पे क्लिक कर देना है। ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, और कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन पे जाके कॉन्ट्रास्ट को 50% के करीब हम बढ़ा लेंगे, और सैचुरेशन को थोड़ा 50% हम सैचुरेशन को भी कर लेंगे, और सिंपली शैडो वाले ऑप्शन पे जाके शैडो को भी 50% के करीब कुछ कर लेंगे। इसके बाद आपको सिंपली राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली चले जाना, एफएक्स पे चले जाना है, और सिंपली आपको ये वाला इफेक्ट्स मिल जाएगा। तो आपको ये वाला पिक्सआर्ट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, और सिंपली वहां मैंने दे रखा है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये इफेक्ट सेलेक्ट करके फेड को 50% रख देना है, और सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है, टूल्स पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपको, और सिंपली रिसाइज इमेज पे क्लिक करके मैक्सिमम रिसाइज इमेज में आपको इसको रिसाइज कर लेना है। इसके बाद आपकी फोटो तैयार है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में।